बीएसओ थे आलोक वर्मा ने उनको स्टॉप किया, उनको स्पॉट किया और जाकर उनको पकड़ा और पूछताछ की, उन्होंने कोई ठीक या संतोषजनक जनक जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने वो पकड़ा, उनको देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से घसीटते हुए उनको अंदर ले गए। और अंदर उनके जब आईडी कार्ड चेक किया गया, पैन कार्ड चेक किया गया, तो उसमें पता चला कि ये आईबी के लोग हैं। दो लोग आगे से इस दरवाजे से पकड़े गए जो कि टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और दो लोग पीछे के दरवाजे से पकड़े गए, यानी कुल चार लोग पकड़े जाए गए। और कहा जा रहा है कि ये आईबी के लोग थे। आईबी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि उन्हीं के लोग। 10 फरवरी को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से आई खबर के बाद से भारत में रफाल के सवाल फिर से उड़ान भरने लगे हैं। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इंडोनेशिया से 42 रफाल विमान बेचने का सौदा हुआ है। 42 विमानों का सौदा $8.1 अरब में हुआ है। रॉयटर्स से आई इस खबर के कई मायने हैं। इंडोनेशिया 42 विमान $8.1 अरब में खरीदने जा रहा है, जबकि भारत ने 36 रफाल विमान का सौदा $8.84 अरब में किया था। हिंदी में एक लाइन में समझिए, भारत ने कम विमान खरीदे लेकिन ज्यादा दाम दिया। इंडोनेशिया ने भारत से 6 रफाल ज्यादा खरीदे लेकिन भारत से कम दाम दिया। हर बार सवाल उठता है, हर बार सफाई दी जाती है, मगर रफाल के सौदे का विवाद मंडराता रहता है। किसी ने ताली नहीं बजाई।